हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक की सीरीज अपन सॉल्व कर रहे हैं। ब्लैक बुक में अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट 10 क्वेश्चन अपन कर चुके थे एक्सरसाइज 1 के। आगे के क्वेश्चन अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है द टेंजेंट वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7y2। वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7y2 एट 1, 2। एट 1, 2 तो द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 1, 2 इज पैरल टू द नॉर्मल एट द पॉइंट -2, 2 एट द पॉइंट -2, 2 टू द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ये है भाई साहब कहानी। तो ए वाई टू माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 2, 0, 3, 1। कर रहे हैं भाई सॉल्व। हमें जो है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात तो 1, 2 इस कर्व को सेटिस्फाइड करता है, तो वहाँ से ए और बी की एक इक्वेशन आ जाएगी। अगर 1, 2 इस कर्व को सेटिस्फाइड करता है तो वाई इक्वल टू 2 रख दिया और एक्स इक्वल टू 1, तो ये ए प्लस बी प्लस 7y2। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 7y2। तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -3y2। इक्वेशन नंबर 1, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इस पे -2, 2 पे इस कर्व पे जो नॉर्मल होगा, 1, 2 पे इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा, तो वो टेंजेंट इस नॉर्मल के पैरल होगा, मतलब उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। तो अगर मैं इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy/dx की वैल्यू आती है 2x प्लस 6। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर देखते हैं 2x प्लस 6 में अपन x इक्वल टू पुट कर देंगे -2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/2। अब हमारे पास ये वाला जो कर्व है, ये वाला ऊपर वाला, इस पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2ax + b। और 1, 2 पे अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2a + b, और इसकी वैल्यू है -1/2, क्योंकि दोनों पैरल हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 2a + b = -1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें और a और b की वैल्यू निकाल दें। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस है। -3/2 + 1/2 = -1, तो a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 अगर यहाँ रखते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2 - 1, मतलब -5/2। तो ए वाई टू मतलब 1/2 और -b मतलब +5/2, तो आंसर इज 3। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा दैट इज 3। तो नोट कीजिए भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है इफ ए कॉमा बी बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, ए कॉमा बी बी ऑन द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² = x³ एंड वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देखो सबसे पहली बात तो ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो 9b² = आ जाएगा a³। ये तो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला गया है ए कॉमा बी पे जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो क्या है, -1। क्यों, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये हमारे पास जो थीटा है वो 135 डिग्री होगा, तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज +1, -1/(slope of normal). और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो 18y (y′) = 3x², तो y डैश की वैल्यू आ गई 3x² / 18y, मतलब x² / 6y। और अगर हम
ए कॉमा बी लेते हैं तो हमारे पास वाई डैश मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सिक्स बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सिक्स बी इक्वल टू वन, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया सिक्स बी। अच्छा हमें सॉल्व करना है इसको और इसको, तो हमने क्या किया इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, तो ये ए का पावर फोर इक्वल टू आ गया 36 बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ए क्यू बाई नाइन हो गई, तो ये हो गया ए का पावर थ्री इंटू ए इक्वल टू 36 इंटू ए क्यूब बाई नाइन। अब ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू जीरो हो गई और ए की वैल्यू फोर हो गई, तो ए की एक वैल्यू फोर और ए की एक वैल्यू जीरो आ गई। अब ए की वैल्यू अगर जीरो होती है तो बी की वैल्यू यहाँ से जीरो हो जाएगी, और ए की वैल्यू अगर फोर होती है तो नाइन बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फोर क्यूब मतलब 64, तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8/3 प्लस माइनस 8/3 वन, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस 8/3 ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोलो भाई क्या कहा गया है, बोला गया है ए एन बी ऑन द कर्व, ठीक है तो ए एन बी ऑन द कर्व है, तो ए और बी ऑन द कर्व है, तो हमसे बोला है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए प्लस बी की वैल्यू जब दोनों जीरो होंगे, अच्छा ये दोनों अगर जीरो होंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारे पास फोर ए प्लस बी की वैल्यू फोर प्लस 8/3, फोर प्लस 8/3 मतलब 12 और 8 20/3, और एक ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी फोर माइनस 8/3 मतलब 4/3, ठीक है तो ये वैल्यूज हमारे पास आएंगी। अब ऑप्शन में इनमें से कौन सी वैल्यू है भाई, ऑप्शन में इसमें केवल 20/3 है, तो आंसर इसका सी आ जाएगा दैट इज 20/3। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है एक कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स विच सेटिस्फाइड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 4 एंड एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट वैल्यू 5 एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है जो 5 है और एफ डैश ऑफ 1 जो है इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है तो अगर ऐसा है तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है कहीं देखा दिखा ऐसा लग रहा है भाई साहब, इसी में पहले कर चुके हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है, देखिए जरा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी यह जाएगी हमारे पास 6x square y 2 minus of 4x plus of c, मतलब ये एवरेज x की वैल्यू आएगी, एवरेज x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x square minus of 4x plus of c, तो एवरेज ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 minus 4 plus c equal to 0, तो c की वैल्यू 1, तो एवरेज ऑफ x की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो fx की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आ जाएगी 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस b, तो ये हमारे पास fx की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस d, f ऑफ 1 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस d इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू होगी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो f ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 13, इसका आंसर सी आ जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, नोट कीजिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है एक कर्व है और ए पॉइंट, लेट पॉइंट ए बी द पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स द वाई एक्सिस, अब ये कर्व वाई एक्सिस तो यहाँ मीट करेगा एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा भाई, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू टू हो जाएगी, तो हमारे पास जो पॉइंट ए आएगा उसके कोऑर्डिनेट 0, 2 हो जाएंगे, सही है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 0, 2। अब बोला गया है एट पॉइंट ए द व्हेन देन द इक्वेशन टू ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर नॉर्मल एट ए मीट द कर्व अगेन इज, तो हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे,
इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 α² × 3 x² + 10 α × 2 x + 1 + 2 y′ = 0। तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये भी 0, ये भी 0, ये 1 + y′ = 2 y′ = 0, तो y डैश की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो 2 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर 2 आ गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y − 2/x − 0 = 2, तो y = 2x + 2, ये हमारे पास नॉर्मल आ जाएगी। अब ये नॉर्मल और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो यहाँ पे y = 2x + 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 α² x³ + हो जाएगा 10 α × x² + x + 2 y, तो हो जाएगा +4x + 4 − 4 = 0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 5 α² x³ + 10 α × x² + 5x। x अभी कॉमन नहीं लिया, फिर अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। एक 5 और कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 = 0, तो ये हो जाएगा 5x और ये α² x² 2 α x + 1, तो हो जाएगा α x + 1 2 0। तो x की एक वैल्यू तो 0 आएगी और x की एक वैल्यू −1/α आएगी। x की एक वैल्यू अगर −1/α आती है तो अब ये जो −1/α है ये क्या होगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई −1/α। मतलब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे नॉर्मल कट अगेन ऑन द अगेन टू द कर्व तो −1/α यहाँ रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी −2/α − 2/α + 2, तो ये हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट मिल गया, यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अच्छा, ये पॉइंट जो है इस कर्व को भी सेटिस्फाइड करेंगे। अगर ये पॉइंट मैं इस कर्व को सेटिस्फाइड कराता हूँ तो देखिए क्या आता है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाइड करवाते हैं। ये पॉइंट अगर इस कर्व को सेटिस्फाइड कराते हैं तो x की जगह −1/α रखते हैं तो आ जाएगा 5 α² − 5 α² / 3 10 α / 1 α² − 1/α, और ये हो जाएगा हमारे पास −4/α + 4 − 4 = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास −5/α, ये आ जाएगा +10 α − 1/α − 4/α, ठीक है, ये आएगा। ये तो 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है भाई, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हमें इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 α² × 3 x² + हो जाएगा 10 α × 2 x² + 1 + 2 y′ = 0। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, −1/α, तो ये है 15 α² / α² + ये है 20 α, ये x बचेगा, और −1/α रखेंगे तो −1/α + 1 + 2 y′ = 0। तो ये हमारे पास आ गया −5 + 1 − 4 + 2 y′ = 0, तो y′ की वैल्यू आ गई 2। अब y′ की वैल्यू 2 आ गई तो अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा y − y1, तो y − y+2/α − 2/x − x1, तो x + 1/α = 2। इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा α × y, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास y + 2/α − 2 और 2x + 2/α, 2/α 2/α कैंसिल हो गया तो y − 2 = 2x, ये आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x − y + 2 = 0, और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = cos x
प्लस 1/2 कॉस 2x माइनस ऑफ 1/3 कॉस 3x, इसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अगर हम देखें एफडेश एक्स निकालते हैं, किया जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 और माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू साइन 3x अपॉन 3, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये एवरेज x आ गया हमारे पास, ये आ गया साइन 3x माइनस ऑफ साइन 2x माइनस ऑफ साइन x। साइन 3x को हम लिख देंगे 3 साइन x माइनस ऑफ 4 साइन 3x, साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x माइनस ऑफ साइन x। साइन x हमने बाहर ले लिया तो ये बचा 3 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 कॉस एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स, ये हो गया प्लस 3 और माइनस 4 माइनस 1, ये हो गया प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 कॉस एक्स और प्लस 3 और माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2। 2 अगर बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ 1। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एफडेश एक्स निकाला। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो एफडेश एक्स हमारे पास चल रहा है, यह जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स, अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 इंटू आ जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1। ये कहानी हमारे पास होगी। अब बताओ भैया, इसके बारे में अपन को देखना है कि ये वैल्यू कब होगी। तो अगर अपन साइन एक्स के बारे में देखें, 0 से 2 पाई चेक कर लेते हैं, 0 से 2 पाई, तो 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। अगर ये देखते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई में तो पॉजिटिव होती है और यहाँ नेगेटिव होती है। फिर कॉस एक्स माइनस 1, ये तो साइन एक्स हो गया भाई। कॉस एक्स माइनस 1 के बारे में अगर हम देखें तो कॉस एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये हमेशा या तो नेगेटिव होगी या 0 होगी जब कॉस की वैल्यू 1 होगी। और 2 कॉस एक्स प्लस हाफ के बारे में देखें तो 2 कॉस एक्स प्लस हाफ के बारे में देखें तो 0 से 2 पाई के बीच में ये कॉस एक्स का ग्राफ होगा, ये होगा 0, ये होगा 2 पाई, माइनस हाफ वैल्यू यहाँ कहीं होगी, ये वैल्यू होगी माइनस हाफ, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो एक पॉइंट आ जाएगा पाई माइनस समथिंग, एक आ जाएगा पाई प्लस समथिंग, माइनस हाफ है तो एक पॉइंट आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 और एक पॉइंट आएगा पाई प्लस पाई बाई 3। तो अगर हम देखें भाई तो ये जो हमारे पास है क्या है, ये 2 कॉस एक्स प्लस 1, इसके बारे में हम देखें तो ये 0 से लेकर पाई माइनस पाई बाई 3 तक, मतलब 2 पाई बाई 3 तक, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, और 2 पाई बाई 3 पर वैल्यू 0 होगी। 2 पाई बाई 3 से लेकर 4 पाई बाई 3 तक इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और 4 पाई बाई 3 से 2 पाई तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस तरीके से अपन ने देखा। अपन देखें स्केच के लिए, फाइनली तीनों का प्रोडक्ट करते हैं। तीनों का प्रोडक्ट अगर अपन करें तो ये है 0, 0 के बाद ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2 और ये है 2 पाई, ये हमारे पास आ गया 2 पाई बाई 3 और ये आ गया 4 पाई बाई 3, ठीक है। साइन एक्स के बारे में बात करें तो साइन एक्स यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। कॉस एक्स माइनस 1 के बारे में बात करें, कॉस एक्स माइनस 1 सब जगह नेगेटिव है, ठीक है। और 0 कब है, जब कॉस एक्स 1 होगा। कॉस एक्स 1 कब होता है, कॉस एक्स 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। आगे बढ़े भाई, कॉस एक्स प्लस हाफ, कॉस एक्स प्लस हाफ की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे तो 0 है और 0 से 2 पाई बाई 3 तक वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 से 2 पाई बाई 3 तक वैल्यू पॉजिटिव, 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 तक नेगेटिव, 4 पाई बाई 3 से 2 पाई तक फिर पॉजिटिव। ओवरऑल साइन देखो ये कैसा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी कैसा आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे कैसा आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे कैसा आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे कैसा आ रहा है पॉजिटिव, सही है।
ऐसी कुछ कहानी है भाई। अब अगर ऐसी हमारे पास कहानी है तो हम देखें जरा, अब इस चीज को थोड़ा सा इकट्ठा लगा के देखें तो हमारे पास है जीरो से लेके 2π/3, यहाँ तक तो वैल्यू नेगेटिव है। फिर 2π/3 से लेके पाई, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है। फिर पाई से लेके 4π/3, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है। और 4π/3 से लेके 2π, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया और ये इंक्रीजिंग हो गया। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है इसकी मोनोटोनोसिटी के बारे में हमने बात करी। अब इसकी मोनोटोनोसिटी के बारे में अगर बात करी, फंक्शन की वैल्यू क्या थी भाई? फंक्शन जो था हमारे पास fx, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। फंक्शन जो था fx था, और ये हमारे पास था cos x प्लस था 1/2 इंटू cos 2x माइनस 1/3 इंटू cos 3x। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मिनिमम वैल्यू या तो 4π/3 पे होगी या 2π/3 पे होगी। तो हम ऐसा करें, वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2π/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2π/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2π की वैल्यू निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। जीरो रखो तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो 1 तो ये हो गया प्लस 1/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 6, तो ये हो गया 6 प्लस 3 माइनस 2, तो आंसर हमारे पास आ गया 7/6। 2π/3 रखते हैं, 2π/3 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 2π/3 पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव माइनस हाफ। फिर ये 4π/3 पे फिर नेगेटिव होगी माइनस हाफ, तो ये माइनस ऑफ 1/4। फिर ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2π, कॉस 2π हो जाएगा 1, तो ये माइनस 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 आ जाएगा, तो जाएगा माइनस 6, माइनस 3, माइनस 4, मतलब माइनस 13/12। पाई पे देखो, कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1, कॉस 2π की वैल्यू 1, कॉस 3π की वैल्यू फिर से माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये माइनस 6 प्लस 2 प्लस 3, मतलब ये माइनस 1/6। 2π/3 तो हो गया था ना, 4π/3 पे देखो, 4π/3 पे वैल्यू माइनस हाफ, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 8π/3। 8π/3 मतलब क्या हो जाएगा भाई? 8π/3 मतलब 2π प्लस 5/3, 2π प्लस 2π/3 मतलब 2π/3 वाली वैल्यू आएगी। 2π/3 पे माइनस हाफ, तो ये माइनस ऑफ 1/4। और यहाँ पे जाएगा हमारे पास कितना? 4 × 4 = 12, 4π मतलब माइनस 1/3, तो ये वैल्यू भी माइनस 13/12 आएगी। 2π रखेंगे, कॉस 2π की वैल्यू हो जाएगी 1, 4π की वैल्यू भी हो जाएगी 1 और 6π की वैल्यू भी 1, तो ये वैल्यू 7/6। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आई वो तो 7/6 आई, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 7/6 हो गई। अब ये हमारे पास माइनस 13/12 और ये माइनस 2/12, तो मिनिमम वैल्यू माइनस 13/12 हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7/6 और मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस 13/12। क्या बोला गया है? डिफरेंस ले तो 7/6 मतलब 14/12 और प्लस है 13/12, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 27/12, तो ये जाएगा 9/4। 9/4 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? अपन पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक सीरीज। ब्लैक बुक सीरीज में AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 1। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 11 से 15 अपन ने आज सॉल्व किए। कल अगली क्लास में फिर से अपन आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।